जानों से भी हाथ धो बैठे। बिल्कुल इसी तरह एक फार्म हाउस मौजूद है कराची में, जहां ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार हुआ। सुपर हाईवे के पास वाक्य ये फार्म, जो शायद 8 या 10 एकड़ के रकबे पर मौजूद है, मगर इसका कोई एक हिस्सा भी काबले इस्तेमाल नहीं। आखिर वो कौन सी मखलूक है जो इसे आबाद नहीं होने देती? पहले एक ने मालिक था, उसकी मतलब छोटे थे हम लोग, उस वक्त पता चलता है कि उसकी भी डेथ हो चुकी है। फिर उसके बाद पता चला दूसरे कोई पार्टी आई है, उसने खरीदा है, उसकी भी डेथ हो चुकी है। अभी कोई इसका मालिक नहीं है, डेथ हो चुकी है। अभी सिर्फ और सिर्फ एक इलाके मकीन का एक बंदा है जो उसको संभाल रहा है, बस। बताइएगा क्या खरीदने की वजह से या खरीद के इसको कुछ बनाने की वजह से, तोड़ फोड़ करने की वजह से उसकी मौत होती है? तोड़ फोड़ करने की वजह से, या इसमें समझो यही है, ये दीवारें हैं ना, जैसे इनमें पेंट करने की कोशिश करते हैं तो बंदा एक्सपायर हो जाता है। मतलब किसी भी किस्म की मदाखलत बर्दाश्त ही नहीं। ऐसा जो ये बता रहे हैं, ऐसा हमने पहले भी देखा है, सुना भी है। इस्लामाबाद में ऐसे कुछ मज़ारात हैं, इसके अलावा कुछ ऐसी बिल्डिंगें हैं जिनको तोड़ने की कोशिश की गई बहुत बार, लेकिन तोड़ नहीं सके। यहाँ तक आप इस्लामाबाद में अगर जाएं तो एक मजार शरीफ के बहुत दूर से आप देखेंगे रोड सीधा आ रहा है। यहाँ मजार शरीफ का तो रोड टर्न कर लिया गया है, लेकिन उसे नहीं तोड़ा। और वो कोई अंग्रेज थे असद, 2-3 बार उन्होंने जब देखा ना कि उनकी अकल दंग रह गई, कि उनकी मशीनें टूट रही हैं, उनके जो मजदूर हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, तो ये अंग्रेज का वाक्य हकीकत वाक्य कि उन्होंने अपना रोड जो है वो बदल दिया, लेकिन उस मजार शरीफ को नहीं तोड़ा। दुनिया भर में मतलब अनएक्सप्लेन जगहें कि आपने रोड कहीं से ले लिया या कोई इस तरह की कंस्ट्रक्शन बीच में कोई मिस्ट्री एक जना कहलाती है, मैथ एक तरीके की। क्योंकि हम सुन के ये आए थे कि यहाँ पे जो खरीदता है उसकी मौत हो जाती है, ये तो अभी आप बता रहे हैं कि खरीदने के बाद जो यहाँ काम करता है, कोशिश करता है, कुछ अमेंडमेंट या कुछ कंस्ट्रक्शन करना शुरू करता है, उसकी मौत हो जाती है। ये 3-4 मालिकान के साथ हुआ ऐसा? तकरीबन तो हम लोगों को याद है 5 मालिकान सबकी मौत हो गई। मौत से पहले मतलब उनकी जो वाकया जो ये हुए उससे पहले का कोई वाकया ऐसा कोई आपको अगर कोई याद हो या कोई सुना हो? मौत के अलावा समझो चौकीदार जो भी आया है, हाँ। गेट तक, गेट से अंदर नहीं, किसी भी दरवाजा, हाँ किसी भी टाइम, मतलब जैसे 12 बजते हैं ना दिन के, तो उस टाइम में तो भाई कोई नहीं आता दिन में ही। दिन में कभी इन्होंने कोशिश की कोई मामला हल करने की, किसी आलिम को, किसी आमिल हजरत को बुलाने की? असल में जो लोग यहाँ पे पुराने जो लोग थे उनको मतलब एक दो मालिक जो आए थे जिन्होंने आमिलों को वगैरह पे यकीन नहीं है, पर एक दो बंदों को लेकर भी, जैसे इत्तफाकन किसी को लेकर भी आ गए वो लोग, तो उसने यहाँ पे काम करने से या पढ़ाई करने से मना कर दिया कि यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते, ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना हिसाब किताब यहाँ पर मौजूद है। मोहसिन आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में या इस कोशिश में नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जो उनके साथ हादसा हुआ वो अब तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है। हमने भी जोर नहीं दिया ज्यादा के चलें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से है, लेकिन पूरी तरह नहीं है कि वो इसको ज्वाइन कर सके, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी जल्द बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे। और ऐसी जगह है जहाँ पे मैं तो उसको चाह रहा था कि वो होता जरूर, क्योंकि जो बात हमने आपको बताई वो हमारे लिए भी बड़ी शॉकिंग है। ये चेक करें, मतलब घोंसले अमूमन उन्हीं जगहों पर होते हैं जहां पे किसी का अमल दखल ना हो। एक अजीब सा टेंपरेचर महसूस कर रहे हैं आप सब? गर्मी है। हालत देखो
मौसम अच्छा है, ऐसी बात नहीं है ना कोई गर्मी है, लेकिन अंदर जो है वो ऐसा लगा तंदूर से निकले हैं बाहर। यार यार ये जगह जगह आग क्यों लगी हुई है यहाँ पे? जगह जगह आग के जो साइन है यहाँ पे, अब यहाँ आग का क्या काम है? बहुत बुरी बदबू है और बहुत बुरी बदबू आई है। बहुत मुश्किल है यार यहाँ पर, जाहिरन कुछ चीज नजर नहीं आ रही जिसकी बदबू हो ये। ऐसा एक कोने पे यहाँ पे आगे जाके जिसकी दरवाजे खिड़की नहीं है और वहां कोई जाने की जरूरत नहीं करता। वहां मतलब काफी लोगों के साथ हादसा हुए हैं, किसी को मार पड़ी है, किसी को थप्पड़ पड़ा है और कोई खौफ से बेहोश पड़ा हुआ मिला वहां पे दिन में दोपहर 12 बजे के दोपहर 12 बजे कहते हैं कि ये भी जवाल का टाइम जो होता है वो काफी भारी होता है और बहुत ज्यादा एक्टिव होता है इन मतलब चीजों के लिए खासतौर पर। उधर चले क्या हुआ है अचानक से? शूट करिएगा सेल में कबूँ को, क्या हुआ है अचानक से इतना हलचल क्यों मच गई है परिंदों में? हाँ क्या हो गया है कबूँ को भाई? यार चेक करो जरा इधर से, हो रहा और जो चीज मुझे परेशान कर रही है ना सर वो ये कि ये दरख्त जा रहे हैं हाँ, उस जगह की तरफ। बिल्कुल वही मैं अभी चेक कर रहा था इतनी देर से कि इसका रास्ता कैसा है यार, दोनों तरफ दरख्त हैं और दरख्तों में जान नहीं है सर। हाँ वही चीज चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल जल जाएंगे, आग लगी हुई है दरख्तों में। मुझे याद है एक दो जगहों पे हम गए हैं दखमा में, मुझे याद है कि वो दरख्त में खुद ब खुद आग लग जाती थी। सुहेल भाई याद है आपको? यार यहाँ भी कोई ऐसा दरख्त नहीं है इस कमरे के पास कि यहाँ पे जो है बचा हुआ, वो देखिए आग लगी हुई है यार ऊपर तक। ये कुछ निशानियाँ आई है हमारी मतलब तजर्बे के अंदर कि जो जगह पुरसरार हो जाती है वहाँ आसपास हरियाली भी नहीं रहती दरख्तों में, और जैसे जैसे हम इस कमरे के पास पहुँच रहे हैं दरख्तों में आग लगी हुई है, जले हुए हैं वो, और ये तो उसके सामने उसको तो कुछ शायद एक पत्ता भी नजर नहीं आ रहा। कोई है? इस कमरे में कुछ अजीबो गरीब चीजें हैं, ये क्या हो सकता है? ये क्या क्या कह रहे हैं ये? मोमबत्ती? हाँ हाँ मोमबत्ती का मोम है, मोमबत्ती जलाई होगी यहाँ पे, उसका मोम पिघल के सब दीवार पे। तो मोमबत्ती रखी कैसे है यहाँ? नहीं पता, नहीं आ रहा समझ, मतलब मोमबत्ती को पकड़ के खड़ा हुआ था पूरा शेप तो ऐसे ही बना हुआ। बहुत स्ट्रेंज कमरा है, एक चीज़ें समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे क्यों है। मोमबत्ती को कोई टेप लगा के चिपकाएगा या उसको कील ठोकेगा, लेकिन कौन होगा जो मोमबत्ती इस कमरे में इस्तेमाल करेगा? ये जो बोरियाँ नीचे पड़ी हुई हैं इन पे आग लगी हुई है, सामने ऐसा लगता है कोई बैठा है यहाँ पे, उसने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है इधर, नमक हल्दी लाल मिर्चें
लेकिन यहाँ कोई आग का निशान नहीं नजर आ रहा कि किसी ने कुछ बनाया हो। दो जोड़ियाँ मिली हैं जूतों की, छोटे साइज की, और शदीद गर्मी है यहाँ पे, शदीद गर्मी है। ये खुला हुआ है, खिड़कियाँ खुली हुई हैं बाहर। मैंने दो दो शर्ट इसलिए पहनी है, मौसम मुनासिब है, गर्मी नहीं है, लेकिन यहाँ तंदूर है एक तरह से। ये सुनो यार, ये तो बहुत सारे बच्चों की आवाज आना शुरू हो गई, अंदर से ही आई है। ये सुनो यार, ये तो बहुत सारे बच्चों की आवाज आना शुरू हो गई, अंदर से ही आई है। ये आवाजें रिकॉर्ड हुई होंगी? हाँ, हुई होंगी, जरूर हुई होंगी। बहुत आवाज यार, बहुत जोरदार आवाजें थी यार, रिकॉर्ड हुई होंगी यकीन। कौन है? अंदर से आवाजें आ रही हैं बच्चों की, रोने की, चीखो पुकार की, और बहुत सारे बच्चों की। क्या हुआ? हुई 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 यार यार यार, रुको एक मिनट, चेक करो यार, ये खोली थी। हमें बाहर निकले में देर कितनी हुई है? एक मिनट भी नहीं हुआ होगा यार, एक मिनट भी नहीं हुआ। जो बच्चे हंस रहे थे, चीख रहे थे, ये आपके सामने है यार, वो हवा से तो बंद होने वाली नहीं है यार, हवा तो बह नहीं सकती। रात को ना असद यहाँ खुद जाने से पहले कैमरा प्लेस कर देंगे। अच्छा, सही है। क्या कहते हैं सुल भाई? ठीक है, आशिफ। हाँ, जरूरी है, खुद जाने से बेहतर पहले कैमरा प्लेस कर देते हैं, उसमें देखते हैं कि कुछ इस तरह की एक्टिविटीज हो सकता है, कुछ उसमें रिकॉर्ड हो जाए। ये सुना आपने? सुन लिया ये रिकॉर्ड हुआ होगा, हो सकता है कुछ उसमें रिकॉर्ड हो जाए। नाइट्रोजन एंडी का हो सकता है कुछ उसमें रिकॉर्ड हो जाए। नाइट्रोजन एंडी का वो देखें, टाइम दिखाओ। सूरज इधर है, सूरज दिखा दे। सूरज गुरूब हो रहा है, वो अभी यहाँ से आएगा, मेरी साइड से यहाँ से आएगा। ये आपके सामने, हमने अपना कैमरा तो प्लेस कर दिया उस जगह पे जहाँ पे वो वाकयात हुए थे हमारे साथ शाम में उस कमरे के बाहर से, और हम शुरुआत कर रहे हैं वहीं से। जगह बहुत बड़ी है और इसीलिए हमने इशा होते ही प्रोग्राम शुरू कर लिया, ताकि पूरी रात लगेगी हमें कवर करने में। शुरुआत यहीं से करते हैं। ठीक है, बस मैं ईएमए फ़ोन कर लेता हूँ। ठीक है, काश भाई बस तस्वीरें जो है ना लेते रहिएगा आप, मे बी उसमें कुछ मिल जाए। अच्छा, दिन में दरवाजे तो हमने खोल दिए थे ताकि यहाँ पर जो हफ्स है, लेकिन वो अभी भी कम नहीं हुआ, अभी भी वो हफ्स है। मुझे आवाज़ आ रही, मैंने भी सुनी। कौन है? चलो पीछे देख के, ख्याल से, बहुत ख्याल से। क्या हुआ? सब खैर है ना? या मुझे ऐसा लगा कि सीढ़ियों पे कोई है। हम बहुत ख्याल से यार, बहुत बहुत ख्याल से। है?
आवाज किस चीज की थी? कर बाहर ऐसी ठंडी हवा है जो आपको सुकून पहुंचाती है, आपको अच्छा लगता है, और अंदर अपना टेम्परेचर है। अरे सब टेम्परेचर निकालिएगा, मैं दिखाऊँ आपको, खासियत से टेम्परेचर चेक कीजिएगा यहाँ का। तो वही 34.4 61% ह्यूमिडिटी। ओहो 35.2 ये रिकॉर्ड कर रहा है, काशिफ का हैंडी है। इतना फर्क तो नहीं होता टेम्परेचर में यार, जब स्टार्ट किया था ना इट वाज 31.5, जब देखो 35.3 हो गया 34 से। यार बढ़ते इतनी जल्दी टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ता। असद या हैंडी प्लेस कर काशिफ, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो हैंडी। बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कौन है कौन है कह रहा है तू यहाँ क्यों आया है, कौन है अब बाहर निकलते ही देखें आप कितना मौसम में बहुत फर्क है, बहुत फर्क। क्या क्या हुआ? 31 पे आ गए, रिकॉर्ड कीजिए 31.2, और देखिए ह्यूमिडिटी भी कम हो गई। आप ये आवाजें आप सुन रहे होंगे, दर्जा हरारत हमने आपको अंदर दिखाया कितना है और बाहर जो है ये कितना है, और बाहर आप देखें टेम्परेचर में ये अभी और कम होते, देखो कम होता रहेगा, क्योंकि मुझे 31.9 आ गया। आई थिंक द लास्ट टेम्परेचर वाज 35.5। और सडनली से बाहर आए, अभी आपके सामने चार कदम हमने लिए, इतना सडन ड्रॉप नहीं होता, नहीं इंक्रीज होता है कभी इतना टेम्परेचर। मतलब ठीक है, बंद जगह है, खुली जगह है, यार कुछ फर्क हो, इतना फर्क तो नहीं होता कि बाहर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अंदर 40 तक पहुंच जाए, नामुमकिन सी बात है, लेकिन मुमकिन भी है ऐसी जगहों पर। यारी आवाजें कहाँ से आ रही हैं, किस जगह से आ रही हैं आवाजें? मतलब हमारे कोई डायरेक्शन प्लेस है ना उस कमरे के बाहर, वो प्लेस है, और ना करे वो ऑन। ये कौन खड़ा है, ये कौन खड़ा है, कौन दरख्त है यार, कितना डर आ रहा है। नहीं मुझे लिटरली लगा कोई खड़ा हुआ है। हुई अस्तगफिरुल्लाह। देखो मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ यार आपसे कोई है। देखो मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ यार आपसे कोई है। देखो मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ यार आपसे कोई है। क्या 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 है, देखो देखो लाइट आई है, देखा 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 देखा, मैं कह रहा हूँ ना आपसे। मुझे लगा था उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है, काशिफ ने उसी वक्त तस्वीर ली है, दिखा है तो मुंह हुआ सेकंड में, इतना सा है वो भी हाइट में, इतना सा है, बिल्कुल छोटा सा। मुझे दरख्त ही नजर आया हमें, तो तस्वीर के अंदर आया यार। अच्छा जब आपने कह दिया ना दरख्त, मैं भी उसको हो गया, लेकिन जब कैप्चर हुई वो चीज तो यार आवाजें आ रही है पीछे से यार। दरवाजा खुल बंद हो रहा है दोबारा से, चलो यार।
गंदगी चेक कर रहे हैं, कॉकरोच, ये सब कॉकरोचेज हैं यार। लाइट सिर्फ ला दें आप, अंदर मैं ले लूंगा जूम करके। यहाँ देखें, यहाँ भी जमघट है। बहुत स्मेल आ रही है यार इसको, क्या मतलब खड़ा होना वो हो रहा है अब तो। ये कॉकरोच जब से बाहर आने शुरू हुए हैं ना, तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया मेरे ख्याल से। बढ़े आगे की तरफ, ये जगह दिया काफी तस्वीरें खींच कर रहिएगा यार, रात में तो बड़ा ही। भाई कोई चीज है उसके पीछे, हटो वहां से, हटो। ये देखो देखो देखो, सुना 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 सुना, कौन है? नहीं ऐसे भी उल्लू तो नहीं है चल। यहाँ क्या काम, मतलब यहाँ क्या काम उसका, कौन है? संभाल के तो साया किसका था? किसका था ये साया? अभी साया नहीं गया? हाँ 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 हाँ, गया गया। ओ ये बात पीछे हटो यहाँ से यार, साया नहीं गया? हाँ 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 हाँ, गया गया। ओ ये बात पीछे हटो यहाँ से यार, कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए यार। ये दरख्त के पास कोई चीज कैप्चर हुई है, देखो ये लाइट रखी है दरख्त के ऊपर। ओह माय गॉड, दरवाजा खुला हुआ है भाई। हाँ, शाम जैसा ही है, मुझे लग रहा था ये बंद होगा लेकिन खुला हुआ ही है दरवाजा। लेकिन यार ये, और ये शाम जितना ही खुला हुआ है अभी भी शायद। हाँ। जितना हमने वो दूर से देखा था ना, याद हुई अंदर कोई है, अंदर कोई है। ओलो, 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 बच्चों की आवाजें सुनो, कुछ गिरा है अंदर, कुछ गिरा है अंदर, कोई है। भाई आवाज आपको आ रही है? कुछ गिरा है अंदर, कुछ गिरा है अंदर, कोई है। भाई आवाज आपको आ रही है? असद कैमरा ऑन है ना? बंद तो नहीं हुआ? नहीं, कैमरा रिकॉर्डिंग पे ऑन है। ऑन है, ऑन है, ऑन है, उठा लेते हैं। ऑन है ना काजी? हां, रिकॉर्डिंग पे देखो। सही है, सही है, रिकॉर्डिंग पे, रिकॉर्डिंग पे, रिकॉर्डिंग पे। आसपास ही पकड़, ये पकड़ो। कौन है? अरे नया, बहुत एहतियात से सिद्धार्थ भाई। क्या आप यहीं मौजूद हैं? हमें पता है आप यहीं हैं। बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आ सकते हैं? यार है कोई, है कोई, है कोई, है कोई। वी वी वी, सुन रहे हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो आवाजें? किस चीज की आवाज है? ये देखो, ये देखो। छुरी को तेज बिल्कुल बिल्कुल वही आवाज आई। ये कौन ऊपर क्या कर रहा है सर? वो ऊपर कोई चीज थी। हाँ है ना, है ना, है ना, थी ना, थी ना, थी ना काशिफ, थी ना। कोई ब्लैक से शैडो था, वही ऐसे ही करके मूव हुआ। जब मैं आपको छुरियों वाली बात बात कर रहा हूँ ना, इस दरवाजे के ऊपर यार, ये जो इसकी छत है पूरी, उसके ऊपर काला। हाँ हाँ, ब्लैक कलर का रिकॉर्ड हुआ शायद। ये देखो, ये देखो, ये देखो, अभी तक आवाजें आ रही हैं यार, छुरियां तेज करने की आवाजें आ रही हैं भाई। लहल वाला खोद, लहल वाला खोद, लहल वाला।
देखो हम किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने नहीं आए यहाँ पर। चले अंदर चले। देखिए हम यहाँ कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए, ये आपकी जगह, आप रहें यहाँ पे। हम बस रात में अंदर आना चाहते हैं आपकी जगह पे। आप भी अगर बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आ सकते हैं तो आ जाएं, नहीं तो हम चले जाएंगे। हम ना जगह खाली करवाने आए हैं, ना आपको भगाने आए हैं, ना कोई ऐसी मकसद नहीं है हमारा। हम आ रहे हैं अंदर। यार पता नहीं क्या हो गया, इतनी खामोशी हो गई है अचानक से, इतना माहौल में इतना सन्नाटा हो गया है। वो खड़े। देखो काचू हैंडी में। तो कौन है, आया कुछ? क्या कोई है भाई? आवाजें आ रही हैं पीछे से यार। अबे क्या था यार? सांस ले। भागते हुए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दरवाजा खुल रहा है बंद हो रहा है दोबारा से यार। पर अजीब और गरीब आवाजें आ रही थी वो पीछे से, जो ऐसा लग रहा था कि वो बुला रहे हैं हमें दोबारा उसे वापस। कभी नहीं हुआ ऐसा यार पहले। अल्लाह, मतलब उसके बाद जब हम लोग भागे हैं मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई चीज है ना हमें पकड़ने के लिए आ रही है, हम में से किसी को। हमारे चारों खिलाफों में कोई है यहाँ पे? नहीं, वो है, वो पीछे आया है यार हमारे, वो पीछे आया है यार, बैकअप टीम। यार मुझे वो दरवाजे खुलते हुए दिख रहे थे भाई, बार 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 बहुत तेजी से। कुछ नहीं। मैं जब निकल रहा था ना वहाँ से, कोई हमारे साथ था, पीछे पीछे आवाजें कैसी आ रही थी यार? मैंने धप धप की आवाजें बिल्कुल मैंने जो है ना सुनी है बकायदा, हमारे पीछे कोई आया है और उसने फॉलो किया है हमें काफी दूर तक, हमारे पीछे आया है वो। ये सुन रहे हैं ना आवाजें? सबसे आखिर में महसूस किया मेरे पीछे बिल्कुल गए। वो खड़े। देखो काची महंडी। आया कुछ? तस्वीर खींचते वक्त कैमरा एकदम से ब्लर हो जाता है और जो मुख्तलिफ चीज़ें ऐसे कैमरे में कैप्चर हुई हैं मैक्सिमम कैप्चर हुई हैं। ऐसा नहीं था कि कोई सिर्फ एक तस्वीर में हमने कोई चीज़ कैप्चर की, मैक्सिमम तस्वीरों में। मैंने वो तो देखा जो आपने दरख्त पे दिखाया।